नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन चंद्रा। जो आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं आपके पास, ये बहुत रोमांचिक टॉपिक है। बहुत ऐसे पीपल है अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और गलत डिसीजन से अनेक बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। ये गलत डिसीजन होता क्या है, इसको रोकना कैसा है, इसके बारे में यदि हम समझे तो किसी को भी बिजनेस स्टार्ट करने की एक ख्वाहिश आता है। वो इंडिया में जो जितने बंदे भी इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम कॉपी आइडिया आता है। कोई बंदा कर रहा है, मैं क्यों ना करूं, तो कोई बंदा कर रहा है, मैं क्यों ना करूं। देखो, कोई गलती नहीं है, क्योंकि इंडिया में उससे बड़ा आइडियाज तो आ ही नहीं सकता। क्योंकि हर मैंने कम से कम इतने पीपलों से बात किया है, दिन में 80 का एवरेज से मैं बात किया, तो सारे पीपलों से जब भी मैं बात करता हूँ, हर पर्सन को एक आइडिया बोलता है कि मेरे पास यूनिक आइडिया है। जब मैं सुनता हूँ उसकी कंप्लीट यूनिक आइडिया, उनको वो आइडिया में लगता है कि वो आइडिया उन्हीं का पहला है, उनका आइडिया। अभी तक मैं ऐसा कोई आइडिया नहीं देखा हूँ जिसमें उनकी आइडिया एक नया सोच से। तो वैसे ही सोच में जब चलते हैं तो मैं देखता हूँ कि पीपल फेल्यूर हो जाते हैं, क्योंकि और एक बंदे का आइडिया को जरा सा मॉडिफाई करके कॉपी करते हैं। तो आप जब आइडिया को कॉपी करोगे, कोई गलती नहीं है, इंडिया में एक ऑप्शन नहीं है, तो यदि कॉपी करना भी चाहोगे तरीका बदल दो। जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरा टी शर्ट, ये टी शर्ट में जो वर्क हुआ है वो है लेदर पेपर्स। मैं इसको आपको शायद दिखा पाऊंगा कि नहीं, मेरे को पता नहीं है, क्योंकि आप मेरा ये जो ऑफिस है, ये स्टार्टअप क्लिनिक का ऑफिस है जो चेन्नई से ऑपरेट हो रहा है, और दिल्ली में भी ऐसा ही स्टार्टअप क्लिनिक का ट्रेनिंग सेंटर जो है हम लेके। तो एक नया स्टार्टअप से, नया सोच से जो हम लेके आए, हम चाहते हैं कि आप जब ये स्टार्टअप क्लिनिक में आओ, पहले आप ट्रेनिंग कंप्लीट करो। देखो, आप देख पा रहे हो कि पीछे में कितना प्यारा रंगों से सजा हुआ है, ऊपर में मोबाइल ये कॉफी मग्स लगा हुआ है, वहाँ सोलर लगा हुआ है, यहाँ आईटी लगा हुआ है, यहाँ कंस्ट्रक्शन का कुछ डाटा दिखा रहे। तो ऐसे अनेक ऐसे हैं, फिर आप देख पाओगे सामने से मैं लेके दिखाऊं तो यहाँ अनेक ऐसे न्यू इनोवेशन प्रोडक्ट्स के साथ, न्यू इनोवेशन प्रोडक्ट्स के साथ हम आ रहे हैं। क्योंकि ये जो ऑफिस है, इसमें आप हम हमेशा शुरुआत करते हैं अपनी जर्नी में, तो प्रिंटिंग का ही बिजनेस से हम जर्नी शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ जो है एक नया सोच से हम आप तक लेके आ रहे हैं। तो ये सोच क्या है, देखो आज YouTube एक अच्छा मीडियम है जो आपको और मेरे को कनेक्ट करने का। सिमिलरली इस देश में जो अनेक पीपल है यूट्यूब को ना गलत से यूज कर रहे हैं और झूठ बोल के आपको कुछ ना कुछ मोटिवेट कर रहे हैं। फेसबुक में अनेक ऐसे ग्रुप्स हैं जो मोटिवेट करता है झूठ बोल के, एंड ऑफ द डे आप वो झूठ में फंस जाते हो, एक यूनिक आइडिया करके जब लाते हो अपने आप में फेल हो जाते हो। यहाँ जो मैं आपको जरा सा मैं दूर से ही मैं बताऊंगा, तो यहाँ ऐसे अनेक मशीन्स हैं, जैसा कि बैच प्रिंटिंग मशीन है, पेन प्रिंटिंग मशीन है, सिमिलरली फर्स्ट जनरेशन ऑफ कॉम्बो मशीन्स है जो कॉम्बिनेशन ऑफ 5 प्रोडक्ट्स 4 प्रोडक्ट्स को हम लोग अटैच करके 2012 में जब इंडिया में पहली बार लेके आए, तो मार्केट को मैच्योर करने के लिए हम लोग लेके आए थे। सिमिलरली सेकेंड जनरेशन ऑफ हेवी ड्यूटी सेकेंड जनरेशन ऑफ हीट प्रोसेस है, जिसमें आप टी शर्ट्स बनाने के लिए, जो है ये थर्ड जनरेशन प्रोडक्ट्स है, जो थर्ड जनरेशन प्रोडक्ट्स है, उसके बाद फोर्थ जनरेशन, ये फिफ्थ जनरेशन, सिमिलरली प्रिंटर्स, अनेक ऐसे टेक्नोलॉजी से आपको मैं दिखा रहा हूँ। क्योंकि मैं बोलता हूँ कि मेरे दोस्त, कभी भी आपको खरीदना है तो जनरेशन 5 जनरेशन 4 में आपको खेलना है। जैसा कि आप अपने कंप्यूटर्स को खरीदते हो तो कंप्यूटर या मोबाइल को खरीदते हो तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसा खरीदते हो वैसा ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी खरीदोगे। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जो लेदर प्रिंटिंग, मेटल प्रिंटिंग, ग्लास प्रिंटिंग, एक क्लॉथ के ऊपर कैसा होता है, इसको आप लेके जा सकते हो। देखो मेरे दोस्त, मेरा जो टी शर्ट है, ये टी शर्ट में आप जितना मर्जी है अपने आप को चेंज कर सकते हो। हर बार एक प्राइस मिलेगा, हर बार डिजाइन चेंज होगा तो एक प्राइस मिलेगा। तो क्लॉथिंग के बिजनेस में एंटर करना चाहते हो, या मोबाइल का कवर बनाना चाहते हो, या कॉफी मग बनाना चाहते हो, या बियर मग बनाना चाहते हो,
या फोटो की कॉन्सेप्ट गिफ्टिंग में जाना चाहते हो या मैं आपको एक लेके आके दिखाता हूँ, देखिए आईडी कार्ड है तो, या आप स्कूल के आईडी कार्ड्स बनाना चाहते हो या इसकी डोरी स्कूल का आईडी कार्ड डबल साइड प्रिंटिंग के साथ आप बना सकते हैं, सिंगल साइड प्रिंटिंग है, या इसकी डोरी जो गले में लटकता है लास्ट में, मिशन आप देख पा रहे हो यहाँ उसमें प्रिंट करना चाहते हो तो सारे ऑप्शन है, नहीं तो ये क्वेश्चन को प्रिंट करना चाहते हो कोई भी क्लॉथ है या प्लेन को प्रिंट करना चाहते हो, प्रिंटिंग एक इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो हर इंडस्ट्री में इमर्ज कर सकती है। सपोज आप कॉस्मेटिक बिजनेस में जाना चाहते हो तो उसकी पैकिंग प्रिंटिंग में आता है, उसकी कॉस्मेटिक पैकिंग ही नहीं है, कॉस्मेटिक का ऊपर में ब्रांडिंग करने में जो ये मशीन मदद करती है, जो पेंसिल ब्रांडिंग में मदद करती है। तो प्रिंटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको हमेशा अपने आप को एंटर करने के समय देखना होगा। तो हम लोग जो यहाँ से सिखाते हैं, हम लोग सिखाते हैं प्रोडक्ट बेस्ड प्रिंटिंग। देखो पेपर बेस्ड प्रिंटिंग तो सिखाते ही है, उसमें कुछ हम लोग कभी भी अपने आप को जो स्टार्टअप्स को, ये जो स्टार्टअप क्लिनिक है 1 लाख से 50 लाख का बीच में, मतलब इवन 10,000 से जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, 10,000 रुपए से जो ट्रेनिंग फीस हमारी होती है जिसमें हम लोग 3 complete days ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता क्या है मैं आपको ब्रीफ कर दूँ, तो ट्रेनिंग में क्या हुआ, जितने मशीन आप देख रहे हो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते हैं, आप खुद ऐसे टी शर्ट्स बना सकते हो, खुद अपने हाथ से मोबाइल कवर बना सकते हो, कॉफी मग बना सकते हो, उसमें डिफरेंट डिफरेंट मशीनरी को यूज कर सकते हो, आप पर्सनली इस मशीनरी को यूज कर सकते हो। जब यूसेज खत्म हो जाएगी आपके पास एक नॉलेज आ जाएगी कि मेरे को अब पैसा को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सी जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है, कौन सी ऐसी टी शर्ट कैसा बनेगी, वैसा मोबाइल कवर कैसा बनेगा, या ऐसा ऊपर में जो डिजाइनर प्रोडक्ट्स देख रहे हो वो कैसा बनेगा, ये ऐसा जो है चाय के कप कैसा बनेगा एक कपल को यूज करने के लिए, या ये पेन की स्टैंड जो है ये कैसा बनेगा जिसमें पेन रख सकते हो, ये मेटल का मग कैसा, एक कॉफी का मग है जिससे मेरे को जुम्मा छुम्मा दे दे करके याद आ गया अमिताभ बच्चन का मूवी, वो रख के मारता है ना, वैसा मग कैसा बनेगा, नहीं तो ये बहुत सुंदर सा कंग्रेचुलेशंस वाला प्रोडक्ट कैसा बनेगा। तो ऐसे अनेक ऐसे प्रोडक्ट्स कैसा बनते हैं, तो आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने देखा कि अनेक ऐसे पीपल जो है मशीन ले लो, मशीन का रेट ये है, उससे बुलाते हैं आपको कहीं ना कहीं काट देते। तो मैंने बोला कि क्यों ना हम ऐसा इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दें जिसमें मोबाइल का रिपेयरिंग सीखें। एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर हमने स्टार्ट किया वो स्टार्टअप क्लिनिक के नाम पे, जिसमें बिजनेस काउंसलिंग होता है। ये जो एंड ऑफ द प्रोग्राम थर्ड डे में हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम ऐसे सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसा यूट्यूब में कैसा मार्केटिंग करना है वो सारे हम सिखाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चा होता है, जो हाउसवाइफ होती है या एक नया एंटरप्रेनर होता है या एग्जिस्टिंग बिजनेस, वो टेक्नोलॉजी को जान लेता है कि वो इम्पोर्टेंस देने लगेगा टेक्नोलॉजी को। हमने इसको एक टेस्ट मार्केटिंग के द्वारा हमने 200 पीपलों को बुला के हमने ट्रेन किया, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ट्रेन किया था 200 पीपलों को। एंड ऑफ द डे हमारा रिजल्ट एक्सट्रीमली बहुत बढ़िया आया था। तो इसको हम लोग अभी हमने 7 दिन का किया, 30 डेज का किया, 45 डेज का किया, ऐसे अनेक प्रोग्राम्स हम करते हुए आज हम ये मोहर में ये रास्ता में पहुँच गए, जो रास्ता में हम बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ 3 दिन में अपने जीवन का पहला सच फर्दा पास करने के लिए स्टार्टअप क्लिनिक आपके पास एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आ रहा है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम दिल्ली और चेन्नई का सेंटर से हम शुरू कर रहे हैं। वो ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली चेन्नई में जो रेडी है आप देख सकते हो, सिमिलरली दिल्ली में हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो सेंटर है वो भी हमारा हार्डली एक वीक में रेडी हो जाएगा। तो आज जो है मैं 27 मई रात को 10:30 बजे के समय मैं चेन्नई का इंस्टीट्यूट में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जिसका इसका हम लोग कैटलॉग सिस्टम बना रहे हैं, एक सिस्टमेटिक अप्रोच से कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को हम अनेक सॉफ्टवेयर्स के ऊपर ट्रेनिंग देंगे, सिमिलरली अनेक ऐसे मशीनरी के ऊपर ट्रेनिंग देंगे। आप जब खुद अपने मशीनरी को चूज करोगे
यदि हमसे खरीदना है तो हमारे पास अवेलेबल सेल्स जो 99 सब्लिमेशन जो हमारा सिस्टर कंपनी है वो प्रोवाइड करेंगे। हम अनेक ऐसे सच को आपका पास लेके आना चाहते हैं, जो 5 साल वारंटी जो कंप्रेसर के ऊपर आपको मोबाइल कवर का 3D मशीन के ऊपर आता है इंडिया में कोई नहीं देता है। आपको अनेक ऐसे सप्लायर्स के नंबर्स हम दे देंगे जिससे आप डायरेक्टली काम कर सकते हो। बहुत पीपल वुडन मोल्ड के नाम पे जूट बोल के बेचते हैं, उसका भी फर्दर पास करते हैं। तो ये एक रबर कवर में कैसा प्रिंटिंग करना है, या ये मेटल कवर्स में कैसा प्रिंटिंग करना है, ये मेटल प्लेट में कैसा प्रिंट करना है, या ऐसा ग्लिटर मोबाइल कवर्स कैसा बनाना है, या लेदर का मोबाइल कवर्स कैसा बनाना है, या एक सिलिकॉन का मोबाइल कवर रबर वाली कैसा बनाना है। आप देख पा रहे हो कितना प्यारा है लड़की का, ये कैसा बनाना, ये सारे जो सिस्टम्स होते हैं इसको हम लोग सिखाते हैं। हम लोग बताते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डमी फोन से। डमी फोन है, बहुत पीपल इसको मोबाइल का डाई बोल के बेच देते हैं। तो ये डमी फोन है, आप देख पा रहे हो इसका शेप देखो, डमी फोन है जिससे हम लोग QC क्वालिटी कंट्रोल को हम चेक करते हैं, जिसमें अमेजन फ्लिपकार्ट स्नैपडील कंपनी इसको रिटर्न किया है। तो उसी में आप देख पाओगे, देखो ये ऐसा करके डाइस बेचते हैं। तो ये डाई नहीं है मेरे दोस्त, ये है डमी। डमी को नीचे में स्टैंड लगा के बिल्कुल बेचते हैं, क्योंकि हम स्टैंड लगवाए थे गर्मी में हाथ ना चले। जो अभी ये जो यूनिवर्सल डाइस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आपको यदि रिटेल के सेक्टर में जाना चाहते हो, रिटेल चलाना चाहते हो, या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना, मोबाइल कवर का बिजनेस में बहुत कॉस्टली होता है, अनेक बार आपको डाई को चेंज करना होता है। तो हमने रिसर्च के द्वारा जो है आज हम लोग यूनिवर्सल डाइस आप तक लेके आए हैं। तो बहुत ऐसे पीपल है जो आके हमें बोलते हैं रेटिंग दो मेरी बाइक, कैसा हमारा इंस्टीट्यूट आपके लिए मदद करता है। तो हमें मिलता है 5 में 6, 5 out of 6 पीपल जो रिव्यू करते हैं। वो रिव्यू वीडियोस आपको मैं कंटिन्यू देते रहूँगा, आप देखते रहना। लेकिन जो पहला इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो बिजनेस में, सबसे मैं पहले बिजनेस का फैक्टर्स को मैं बता दूँ, तो ये बिजनेस का पहला फैक्टर है कि आपको एजुकेट होना पड़ेगा बिजनेस में। अनेक ऐसे बिजनेसेस इस देश में खत्म हो जाती है, रोड में चले जाते हैं विद इन 1 ईयर। कारण क्या है, आपको नॉलेज नहीं होता तब पर भी बिजनेस में आ जाते हो। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस देश को बदलने की, मैं कोशिश करता ही रहता हूँ देश को बदलने वाले का, हर नागरिक का मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। आपको एक एज है जो देने की एज होगी, तो आपको फैमिली को देना होगा, फैमिली को पढ़ाना होगा, मेहनत करना होगा, हर कस्टमर को सेटिस्फाई करना होगा। एक कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे तो 10 कस्टमर को, ठीक है। जैसा कि मेरा टी शर्ट है, मैं बहुत खुश हूँ जब ये टी शर्ट को मैं पहनता हूँ तो अनेक पीपल मेरे को पूछते हैं सर कहाँ से टी शर्ट बनता है। तो मैं वो कंपनी को रिकमेंड करता हूँ, 10 ऐसे पीपलों को रिकमेंड करता हूँ। इसको देख के आप भी इंस्पायर हो सकते हो, तो आप सुपर ड्राई के पास अपनी क्लॉथिंग का खरीद सकते हो। लेकिन यही सुपर ड्राई का जो टी शर्ट है आप खुद भी बना सकते हो। तो ये जो फैब्रिक है, ये फैब्रिक हम सप्लाई करते हैं आपको, आपको ऐसे पैटर्न्स चाहिए, पैटर्न्स हम बनाते हैं, ये पूरा आपको सिखाते हैं कि कैसा ये पैटर्न्स बनता है। स्टिचिंग का यूनिट के ऊपर भी हम लोग ये स्टार्टअप क्लिनिक है, स्टार्टअप क्लिनिक में जो है ऐसे सोलार के ऊपर काम करना चाहते हो तो सोलार का कंप्लीट आपको नॉलेज देंगे जो, लेकिन सोलार के लिए आपको जो नॉलेज है हम लोग सिटी चेंज करेंगे, क्योंकि जो हमारा सेंटर है वो सेंटर में मिनी सेटअप्स तक ये हम लोग लेके आके रख सकते हैं। जैसा मोबाइल रिपेयरिंग यूनिट है तो मोबाइल रिपेयर के बिजनेस में जाना चाहते हो तो हमारा यूनिट से आपको हो सकता है। लेकिन जब लार्ज का स्केल की फॉर्मेट हो जाता है, जैसा कि फ्लेक्स प्रिंटिंग में कोई एंटर करना चाहता है, तो फ्लेक्स प्रिंटिंग का हमारा ट्रेनिंग सेंटर, हमारा ट्रेनिंग पार्टनर्स अलग है जो आपको फ्लेक्स प्रिंटिंग के ऊपर, यस हमारा सेशन नंबर 3 थर्ड डे जो है सोशल डिजिटल मीडिया मार्केटिंग जो है या ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटीज है, बिजनेस काउंसलिंग का सेशन है, वो तो हमारा ऑफिस में ही चलेगा जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो हम आगे जाके अनेक ऐसे कोर्सेस लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग जब परचेज करते हो वैसा ऐसा ही मेरे को अनेक पीपल फोन करके बोलते हैं कि सर मैंने एक मशीन खरीद लिया, गलती से खरीद लिया, अभी इसको बेचो। जैसा नॉन वूवन बैग का प्रिंटिंग मशीन है, नॉन वूवन बैग का मैन्युफैक्चरिंग मशीन है, कॉफ चाय का कप बनाने की मशीन है, ये सारे पीपल जो करते हैं वो गलती से परचेज करते हैं। तो मैं पहले बताता हूँ कि मेरे भाई आप अपने ट्रेनिंग लोग
जब ट्रेनिंग होगा हर क्वेश्चन का आंसर आप कंप्लीट करोगे, जब आंसर को कंप्लीट करोगे तो आपको डेफिनेटली नॉलेज आ जाएगी कि आपका परचेज सही है कि नहीं। क्योंकि बिजनेस कभी भी शुरू करते हो तो जिंदगी के लिए शुरू करना है, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर एक बार बनोगे तो उसको जिंदगी में नौकरी करने तो बैक नहीं जा सकते, क्योंकि आप फिक्स्ड टाइम में कंटिन्यूस टाइम बेचना स्टार्ट करते हो। टाइम इज इक्वल टू मनी मेरे दोस्तों, पैसा को टाइम में बदलो और टाइम को नॉलेज से बदलो। तो नॉलेज पहले लेके आओ, यदि नॉलेज को टाइम में बदल लोगे तो पैसा पानी के जैसी बरस दे जाएगा। दोस्तों आपको मैं फिर से कहूँ कि एज ए मोहन चंद्रा कोच एंड मेंटर एंड बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट, मेरे पास ऐसा बिजनेस जो भी मैं अभी तक प्लानिंग लिया हूँ, तो प्लानिंग का बिजनेस में कभी भी हम फेल नहीं होते हैं। तो आप लोगों को हम लोग एक सर्विस पैकेज को भी लॉन्च कर चुके हैं। अनेक ऐसे पीपल जो ब्रांड बनाना चाहते हैं और लाइफ लॉन्ग बिजनेस करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हमने 1 ईयर का टोटल सर्विस पैकेज हमने दिया है। वो सर्विस पैकेज में 4 टाइम्स हम मीट करने का, मेरे से नहीं, मेरा एक्सपर्ट्स है जिससे मिलने का मौका हम लोग दे रहे हैं। आप रिव्यू कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, कोई भी रास्ता में अलग रास्ता चले गए। सपोज मान के चलो दिल्ली से मुंबई का रास्ता हमने फिक्स किया, दैट्स मीन ए विजन जो 5 साल में जाना चाहोगे। तो पहला ईयर में ही आपने क्या हुआ, एक लखनऊ के पास आने के बाद एक नया रास्ता पकड़ लिया, लेकिन जरा दिन में पता चल गया कि मैं रास्ता, तो वो रास्ता नहीं पकड़ो करके पहले से हम प्लानिंग देते हैं। एवरी 3 मंथ्स में एक रिव्यू करेंगे और आपको डिजाइनिंग का सपोर्ट, जो हाँ प्रिंटिंग का बिजनेस में डिजाइनिंग सपोर्ट दे रहे हैं और बाकी बिजनेसेस में अनेक ऐसे सपोर्ट, जैसा वेबसाइट के ऊपर कैसा कहीं रुक गया है तो क्या करना है, वेबसाइट डेवलपमेंट में कैसा आपको सपोर्ट चाहिए, ये सारे जो है कंप्लीट कंसल्टेशन जो है हमारा पैकेज में जुड़ा हुआ है। लोन्स को सपोर्ट चाहिए तो लोन्स को भी हम लोग उसी में प्रोवाइड कर रहे हैं। 12 महीना में 1240 डिजाइन का पैकेज हमने बनाया है, जो आपको न्यू डिजाइन आपके लिए आपके शहर के लिए रिलीज करें, जिसमें प्रिंटिंग के बिजनेस, तो हम कितना भी स्टार्टअप क्लिनिक में आए तो प्रिंटिंग को कैसा भूल सकते हैं मेरे दोस्तों। प्रिंटिंग ऐसा इंडस्ट्री है जो इंडस्ट्री से चश्मा के ऊपर प्रिंटिंग से मैं स्पेक्स के बिजनेस में जाना चाहूँगा तो जा सकता हूँ, तो उसके लिए भी प्रिंटिंग का मिशन चाहिए। क्योंकि आप अपनी ब्रांडिंग बनाते हो तो बिना पैकेजिंग का कुछ होता नहीं है, तो पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी है। सिमिलरली प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री जो है लगातार ग्रो कर रही है, यदि आप आना चाहते हो तो डेफिनेटली आप विजिट कर सकते हो। अब जो है डेमो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, ट्रेनिंग चार्जेबल है, आप 3 दिन का ट्रेनिंग में ज्वाइन कर सकते हो, जिसका हमारा ओपनिंग है हो चुका है, यहाँ ऑलरेडी अनेक पीपल ट्रेन भी हो चुके हैं। तो आप भी ट्रेन होना चाहते हो, यदि साउथ इंडियन हो तो आप यहाँ से ट्रेन हो जाओ, बंगाली पीपल को भी यही सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस देश में 719 जिले में आप हम सेंटर्स लेके आए, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है बहुत ही स्पीड तरीका से ग्रो कर रही है, मोबाइल का एक्सेसरी का इंडस्ट्री भी, तो मोबाइल एक्सेसरी का कंप्लीट स्टार्टअप हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं जय हिंद बोलते हुए मोहन चंद्रा, जो नेक्स्ट वीडियोस में, जो मैं आज चेन्नई में हूँ तो आपको मैं ये चेन्नई का जो ऑफिस है हैंडल करता है मेरा ही क्लासमेट जो श्रीनिवास है, वो भी मेरे साथ IIM का क्लासमेट है, तो वो हैंडल करता है ये बिजनेस को यहाँ से आप लोगों को। तो सपोर्ट जैसा मोहन चंद्रा के पास मिलता है आप एक्सपेक्ट करो सेम ही मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत है तो मेरे बहुत ऐसे वीडियोस में मैं अपनी पर्सनल नंबर भी डाल के मैं रखा हूँ, तो जिसमें आप कॉल कर सकते हो और हमें एक इंटीमेशन दे सकते हो कोई गलती है तो। और क्या है, यहाँ जो है हमने क्लियरली जनरेशन ऑफ मिशन हमने दिखा दिया, उसमें प्राइसिंग दिखाया, यदि हमारा प्राइसिंग आपको मैच करता है हमसे ले सकते हो, नहीं तो ट्रेनिंग खत्म, आप खत्म, आपको सक्सेस बनाने का जिम्मा तब पर भी हमारा जारी रहेगा। तो इसी के साथ जय हिंद बोलते हो मोहन चंद्रा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बिजनेस प्लानिंग के वीडियोस के साथ, एक स्ट्रैटेजीज के साथ मैं आपको बताता हूँ एक टी शर्ट को बेचना। अभी अभी मैंने एक छोटा स्ट्रैटेजी दे दिया एंटायर इसमें, यदि एक ही ब्लैक कलर का टी शर्ट में अनेक तरीका का डिजाइनिंग करके आप कर सकते हो, और ये टी शर्ट को मैंने 1200 रुपये करीब इसको दिया है, तो आप ये टी शर्ट को बनाओगे, सेम टी शर्ट को बनाने के लिए विथ सेम क्लॉथ अराउंड 300 रुपीज़ की खर्चा आ जाएगी। अब 300 रुपीज़ का टी शर्ट को जब कंपनी 1200 में बेचता है, आप मतलब इसको कॉपी डिजाइन मत कर देना, डिजाइन अनेक हम बना सकते हैं आपको, जो डिजाइनिंग सपोर्ट में हम लोग पूरा पैकेज दे रहे हैं, तो आप कॉपी मत कर देना, क्योंकि ये कम ब्रांडेड कंपनी का टी शर्ट है तो वो फीलिंग है। तो ऐसे ही टी शर्ट्स के साथ आप करोगे तो 300 रुपये में आएगा, तो ऐसा ही अनेक डिजाइन डालने पर एक ही टी शर्ट को आप 5000 तरीका से बेच सकते हो। तो
तो आपको हर कस्टमर फिर से 10 कस्टमर लेके आएगा। पहला कस्टमर आपको ढूंढना पड़ेगा, वो भी ढूंढना कुछ बड़ी मुश्किल नहीं है। जब इसको 599 रुपीस में आप दोगे, आप उसकी इमोशन बन दोगे। वो चाहता है जामनगर का किंग, जामनगर ऊपर में डाल दिया, किंग नीचे में डाल दिया, तो जामनगर का हर किंग जामनगर का बोल सकता है। तो क्वीन डाल देंगे तो हर लड़की क्वीन भी बन जाएगी। तो समझ सकते हो मेरे दोस्त, पैसा कमाना सबसे ईजी है इस देश में। उसके लिए आपको पहला दो कस्टमर को जोड़ना है। तो आज मैं कह दूँ और जरा सा मैं आपको टिप ऐड कर दूँ, आप अपनी नेटवर्क बढ़ाओ। आपके मोबाइल में एटलीस्ट 3-4 लाख पीपलों का व्हाट्सएप नंबर होनी चाहिए जो आपके एरिया का है। तो इसको कैसा निकलना है, क्या है, हम फेसबुक पर मार्केटिंग मैं शुरू करने वाला हूँ, तो फेसबुक का मार्केटिंग में आप समझ सकते हो कि कैसा नेटवर्क को क्रिएट किया जाएगा। जैसा हम व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की मार्केटिंग कर सकते हैं, ड्रॉप शिपमेंट में किसी यहाँ से आपको हम ड्रॉप शिपमेंट सेंटर शुरू कर रहे हैं। यदि आपको मतलब आप कुछ बेचना चाहते हो, सपोज इसको बेचना है, ये प्रोडक्ट का जो MRP है 299 रुपीज़ का है, अब 299 रुपीज़ का MRP को बेचना चाहते हो, इसको हम लोग आपको 100 रुपीज़ में दे रहे हैं, तो 300 रुपीज़ जो है आपका 200 रुपीज़ प्रॉफिट है, जिसमें आप कुरियर 50 रुपया भी चले गया है और पैकिंग 20 रुपया चले गया, तो तब पर भी 130 रुपया आप ले सकते हो। इसको हम फोटोग्राफी दे देंगे और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक सॉफ्टवेयर के साथ आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम हम कंडक्ट करने वाले हैं। 20,000 रुपीज़ उसका प्रोग्राम का फीस हम कोशिश कर रहे हैं कि उतना कम में दे, तो एक सॉफ्टवेयर दे आपको, आपको डिजाइनिंग हम सिखाएं, उसमें 7 दिन का कोर्स हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो और आप घर में बैठ के अपने टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए आप पैसा कमा सकते हो, इंडिया में कहीं भी रहो। उसका पूरा हम लोग कोर्स प्लान कर रहे हैं। फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, सिमिलरली सोशल मीडिया मार्केटिंग में अनेक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो प्लेटफॉर्म में आप अपने प्रोजेक्ट को दिखा सकते हो। तो डिजाइनिंग का क्रिएटिविटी, रंगों से खेलने का मजा आप कर सकते हो। इवन हमारा सर्विस पैकेज में हर महीना का न्यू डिजाइन लिखे जा सकते हो। जो सॉफ्टवेयर रहेगा उसमें पूरा ट्रेनिंग देंगे तो ऑटोमेटिक आप कर सकते हो। दोस्तों मैं, आप सारे जानते हो, मैं तो 50 मिनट 1 घंटा 2 घंटा कंटिन्यूस बात कर सकता हूँ। कोई मेरे को कोई स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती है। अब स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि आपसे मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, क्योंकि मेरे को, मैं बहुत पैशनेट हूँ आपके जीवन में। आपका फैमिली को टाइम है जो देने है, तो नेक्स्ट जो पर्सन जो पैदा होगा वो अमीर से पैदा हो जाएगा। तो अपनी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो क्षमता है, इश्यूज है, उसको शॉर्ट आउट करने के लिए मैं कंटिन्यूस काम करता हूँ। तो यदि मैं कंटिन्यूस काम करता हूँ, उसका रिजल्ट्स भी देखता हूँ। बहुत ऐसे पीपल बदलते हुए मेरे को फ़ोन करते हैं, सर मेरे पास आते हैं, बैठते हैं, पूरा सीखते हैं, हमारे पास आके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बन के जाते हैं। उसमें जो खुशी है हमें शायद और कभी नहीं है। पैसा कमाना तो मैं बचपन से ही सीखा हूँ, 7th year of age से मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। वो टाइम में मेरे को पता नहीं था मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। जब बड़ा होके जब मैंने देखा, तो मैं बचपन में कभी भीख नहीं मांगा, ना किसी का छीन लिया। ये दोनों से नफरत करता हूँ, पीपलों से मेरे को गुस्सा भी आता है। वो भीख जो मांगता है, सुबह की बात है, एक पर्सन मेरे को फ़ोन करके, वो जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, 29 years का हो चुका, वो मेरे से बोल रहा है कि मेरे को ये दिला दो, वो दिला दो, मैं देश को ही बदल दूंगा। मेरे दोस्त, ये दिला दो, वो दिला दो, देश को क्या बदलना। आप अपने आप को पहले कमाओ, घर में दिखाओ कि मैं कमा सकता हूँ। पैसा कमाना इस देश में कोई मुश्किल की बात नहीं, क्योंकि किसी को कमाना नहीं, तो वर्ल्ड में कहीं भी पैसा कमाना मुश्किल नहीं है मेरे दोस्त। आपको मेहनत करोगे, टाइम को मनी में कन्वर्ट करोगे, तो आप पैसा कमा लोगे। एक अच्छी रास्ता मैं दिखा सकता हूँ एज ए मेंटर, कोच एंड बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट के नाते। मेरा नाम है मोहन चंद्रा, जो मोहन का नाम है श्री कृष्ण, और मैं रहता हूँ दिल्ली द्वारका में, जो श्री कृष्ण द्वारका में रहता था। तो देश को वो टाइम में बदलने के लिए श्री कृष्ण आया था, इस बार जो है मोहन चंद्रा आपके साथ है। आपका फैमिली को बदलने के लिए मैं डेफिनेटली आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ, जो अर्जुन को महाभारत दिखाया था। स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ जो महाभारत, और रास्ता दिखा सकता हूँ जो अर्जुन को दिखाया था। तो ऐसा ही है, जब आप जीत जाते हो अपने जीवन में, आपके घर में रोशनी आ जाती है, वही है चंद्रा। तो मोहन चंद्रा एक नाम, मेरा नाम में जो काम है, वो काम को मैं हमेशा आगे रखा। अनेक पीपलों का दिल जीतता हूँ, दिल ही नहीं जीतना। हम अनेक ऐसे पीपल है जिसका जिंदगी में मैं वो रोशनी दे चुका हूँ। पीपल आके मेरे पास पैर पकड़ के रोते हैं, तो मैं बोलता हूँ मेरे पैर रोना नहीं। जिंदगी में मैंने जो अपने जीवन में मेरे पेरेंट्स को दिया हूँ या फैमिली को दिया हूँ, मैं चाहता हूँ हर बंदा वैसा ही अपना फैमिली को हर समय कुछ ना कुछ देते रहे। जब फैमिली की देना ही खत्म हो जाएगी, सोसाइटी के देने का है,
तो भीख मांग के मत डालना, कमा के डालना, वही मैं बताता हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे पीपल है यहाँ से भीख मांगते हैं यहाँ डालते। तो नेटवर्क की जरूरत है, तो बिजनेस कमाना है तो 4 लाख से 5 लाख मोबाइल नंबर्स अपने फोन में फीड करो, दिन में 3000-4000 नंबर्स को फीड करना स्टार्ट करो। कोई तरीका है जो गूगल से आप कर सकते हो, गूगल से वन टाइम अपलोड हो, सब आप सीखो, क्योंकि गूगल में सब कुछ डाटा है कि सही बंदे को सही रास्ता दिखाता है गूगल, गलत बंदे को गलत, जैसा यूट्यूब दिखाता है। जो बंदे को छोटू का मजाक तेरे को अच्छा लगता है या मूवीज के उसमें फंसा रहता है, गाने के पीछे घूमते रहता है, या सपना चौधरी का डांस सीखना चाहता है, तो बंदे को वो जिंदगी भर करे। तो जो पीपल बीए और बीएससी, उसका वार्निंग है, चेतावनी है, अपने जीवन में जो फ्यूचर में जो बीए बीएससी पढ़ने वाले, उन लोग ना पढ़े, आप लोग अपनी डायरेक्शन में इंजीनियरिंग या बीकॉम पढ़ के, एमबीए ले लो, बीकॉम पढ़ के कुछ भी करो, जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना है तो आपको कॉमर्स आगे लेके चल सकता है, या प्रॉपर साइंस जो रिसर्च के ओर चलता है, बीटेक एमबीए आप आ सकते हो, और कुछ टैक्सेशन में बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में मत जाओ मेरे दोस्त, मैनेजमेंट में आके आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हो। बीए पढ़ के एमबीए बन रहे हो, इस देश में जो आईएएस ऑफिसर्स है वो सारे का क्वालिफिकेशन बीए है, वो एमबीए एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, तो मैं कभी देखा नहीं कि वो क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहीं भी नहीं मिलता है। तो पॉलिटिकल लाइन से मैं बिलोंग करता हूँ, पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत कमांड रखता हूँ, तो जब मैं पॉलिटिकल कमांड रखता हूँ तो मेरे पास इतनी क्षमता है, नॉलेज है, तो बिजनेस को कैसा करना है, सिमिलरली एक आदमी का जीवन कैसा संभालना है मैं जानता हूँ। इस देश में कुछ अमीरी बढ़ सकता है तो ये सेकंड एनडीए जो है, अब मोदी जी का सेकंड एनडीए में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ ऐसा रंग आ जाए जो हर बंदे के बदले में आ जाए। मैं स्टार्टअप इंडिया को मैं बहुत पुश करता हूँ, स्टैंडअप इंडिया ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं काम करता हूँ, पुश करता हूँ। तो दोस्तों आप समझो, आपको कोई भी दिक्कत है स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया लेके, कोई भी बिजनेस है, तो डेफिनेटली मेरे को अपने नंबर को, मेरा नंबर जो वीडियोस के आगे में है उसको व्हाट्सएप करो और बोलो कि मेरे को दिक्कत है, फंडिंग में दिक्कत है, कोई प्रोग्राम में मेरे को दिक्कत है, आप आके मिल सकते हो। मैं कंसल्टेशन चार्ज बहुत कंडीशन में नहीं लेता हूँ, बहुत कंडीशन में लेता हूँ, क्योंकि जो मेरे को अदर देन मेरे बिजनेस है जिसमें मैं कंसल्टेशन चार्ज लेता हूँ, बाकी हमारा बिजनेस में जो पैकेज है, सर्विस पैकेज हम लोग एक्टिवेट करते हैं, तो आप देख सकते हो, क्योंकि आपका जीवन में एक रास्ता जो चुनोगे उसमें फेल नहीं होना है, तो फेल नहीं होना है तो मेंटरशिप की जरूरत है। यदि आप मेरे मेंटर्स से मिलना चाहते हो तो डेफिनेटली हमारा इंडिया में अनेक ऐसे सेंटर्स में हमारे, क्योंकि ये हमारा सेकंड ऐसा सेंटर है जो सेल्फ ओन्ड सेंटर्स है, जो आगे जाके हम लोग अनेक ऐसे सेल्फ ओन्ड सेंटर्स से हमारे हैं जिसमें मेरा ट्रैवल रहेगा। तो दोस्तों जय हिंद, और टाइम नहीं लेते हुए आपको मैं गुड नाइट सवा के, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया बात करते हैं।